कोरोना काल से ऑनलाइन शिक्षण का चयन सामान्य हो गया है, लेकिन इस आधुनिक शिक्षण विधियों में शिक्षक की जवाबदारी और बढ़ जाती है। ऑनलाइन पर सिर्फ जानकारियां हैं और शिक्षक इन जानकारियों को ज्ञान में परिवर्तित कर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की आधारशिला रखता है। यह बात बुधवार को बिस्टार नगर क्षेत्र स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 10 के प्रधान पाठक अभिमन्यु सिंधे ने अपनी सेवानिवृत्ति पर कही। उन्होंने शिक्षक की बढ़ती जवाबदारियों पर गौर करते हुए कहा कि वर्तमान में शिक्षण कार्य सिर्फ पेशा नहीं बल्कि जवाबदारी भी बन गया है। उन्होंने बताया, वर्तमान में चल रहे ऑनलाइन शिक्षण में शिक्षक की दोहरी जवाबदारी बन गई है। अब शिक्षक सिर्फ जानकारी प्रदाता कार्य न करे बल्कि बच्चे के ज्ञानार्जन और मूल्यांकन पर भी ध्यान रखे। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, चूंकि आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं पिछले 25 साल की सर्विस से, तो इस स्कूल में क्या आपका अचीवमेंट रहा और कितना अच्छा लगा, कैसा रहा अनुभव आपका? मेरा अनुभव ये रहा कि मेरा प्रयास रहा कि स्कूल के बच्चे और स्कूल के लिए जो गरीब तबकों से आते हैं और आते रहेंगे, उनके लिए अधिक से अधिक संस्था को सुविधाएँ जुटाना और उनको जो है मदद करना, मेरा यही ध्येय रहा। अच्छे से कार्य करें और अपना पूरा कार्यकाल मैंने लगभग 1996 से लेकर अभी तक 25 साल तक यहीं पर अपनी। सर, जैसे अभी कोरोना स्टाफ को पूरा सहयोग रहा, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, ना ही किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत आई। मैंने बाहरी सहयोग से इस स्कूल को 90% सुविधाएं प्राइवेट स्कूल के सरीके करवा दी और मेरा ये मिश्रा मैडम से भी यही निवेदन रहेगा कि जो 10% सुविधाएँ बाकी है वो पूरा करने का प्रयास। सर, जैसे कोरोना काल में भी ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था है और थोड़ा सा शिक्षण पद्धतियाँ चेंज हो गई है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा? हमारे स्टाफ ने पूरे कोरोना काल में ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमारे पूरे शिक्षक साथियों ने मिलकर बच्चों को पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई। जिनके पास सब या फोन नंबर नहीं थे उनके पालकों के, उनके बहन भाइयों के नंबर लेने का प्रयास किया हमारे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।